हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण खरबंदा, फैकल्टी एंड डायरेक्टर ऑफ सन इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दक्षाई का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। दक्षाई का फॉर्म फिल करते टाइम आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करना हो और ज़्यादा डिटेल ना फिल करनी पड़े, वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट जो है वो आती रहे। सबसे पहले हमने गूगल पर सर्च करना है APS दक्षाई। यहाँ पे आप लिखेंगे APS दक्षाई, लिखते ही आपके पास इस तरह से पेज खुलेगा, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज एक आएगा, ठीक है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी है कि एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है, बच्चे कौन कौन सी क्लास के लिए फिल कर सकता है। रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 15 जनवरी 2022 तक रजिस्ट्रेशन डेट है। आप साइड में कहीं पर भी क्लिक करेंगे या ऊपर क्रॉस का आइकन होगा उस पर क्लिक करेंगे तो दक्षाई का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है प्राइमरी, प्राइमरी के नीचे लिखा है क्लास फिफ्थ, मतलब क्लास फिफ्थ के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है वो क्लास फिफ्थ के लिए क्लिक करेंगे। जिन्होंने क्लास सिक्स के लिए अप्लाई करना है वो सेकेंडरी पे क्लिक करें तो सेकेंडरी पे क्लिक करते क्लास सिक्स, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ चारों ऑप्शन आ जाएंगी। जौन सी क्लास के लिए आपने अप्लाई करना है आप उस क्लास पे क्लिक करो। जैसे हम क्लास सिक्स पे करते हैं तो आपके पास अप्लाई नाउ की यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगी। न्यू अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ, ऑलरेडी रजिस्टर है कोई, एडिट करनी है प्रोफाइल तो आप ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना है तो एप्लीकेशन प्रिंट पे क्लिक करेंगे। एडवर्टीजमेंट देखनी है तो इस पर क्लिक करना। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड करना है, जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा नेक्स्ट डे आपका 24 घंटे के अंदर अंदर आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे अपलोड हो जाता है। तो एडमिट कार्ड पे क्लिक करते ही आपकी जो है इन्फॉर्मेशन या मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपसे पूछेंगे, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ अभी आप फिल करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, फर्स्ट नेम, जैसे हम यहाँ पे डमी फॉर्म फिल कर रहे हैं, ओके, मिडिल नेम, एंटर मोबाइल नंबर, हो गया। तो इस तरह से ये फॉर्म आपके पास पूरा खुल जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन जो आपने मोबाइल नंबर डाला है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपकी डिटेल, फिर आपने यहाँ पे अपना जेंडर, नेशनैलिटी, ठीक है, आपका स्टेटस, ये आपके फादर का आएगी डिटेल कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, ऑफिसर रैंक से हैं, JCO हैं, OR हैं या आप सिविलियन हैं। आप जौन सी कैटेगरी से आते हैं वो आप कैटेगरी फिल करेंगे। मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑफिसर रैंक पे, ठीक है, कौन से टाइप में है, मतलब आप कहाँ आर्मी, स्टेटस सर्विस में है या रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। तो आपने अपनी ये ऑप्शंस सारी सिलेक्ट करनी है। अगर आपका कोई ब्रदर और सिस्टर ऑलरेडी दक्षाई में पढ़ रहा है तो आपने उसका एडमिशन नंबर, नेम यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। सेकंड डिटेल आ जाती है आपके पेरेंट्स की, मदर नेम, फादर नेम, यहाँ पर उनका सर्विस नंबर, जो जॉब कर रहे हैं तो उनके पास सर्विस नंबर हो मिला होगा, उनका रैंक मिला होगा, ऑक्यूपेशन और उनका ऑफिस का एड्रेस क्या है वो आपने यहाँ फिल करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं प्रेजेंट यूनिट का एड्रेस। यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, जैसे जो लोग रिटायर हो गए हैं, ठीक है, तो उनकी इंफॉर्मेशन, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो तो जॉब कर रहे हैं वो तो फिल कर देंगे, लेकिन जो रिटायर हो गए हैं, मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो रिटायर हो गए हैं वो लोग यहाँ पर अपने प्रेजेंट यूनिट का एड्रेस कैसे मेंशन करें, तो आपने क्या करना है, सिंपली डॉट डॉट लगाकर इस स्पेस को खाली छोड़ देना है, ठीक है। पोस्ट फ्रॉम डॉट 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 खाली छोड़ दो, करंट लोकेशन, ठीक है, यहाँ पर आप जो है यस और नो जो आपको लगता है सही वो आप भर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर तो आपको याद है कि कब आपने ज्वाइन किया था तो ठीक है, अगर आपको नहीं याद, ठीक है, यहाँ बाहर से फिल करवा रहे हैं तो कुछ भी आप यहाँ पर डेट डाल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारा फॉर्म, ये पूरा का पूरा फॉर्म आपसे
दोबारा से फिल करवाया जाएगा। जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे एग्जाम देने के लिए, जब आप एग्जाम देने के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है, वो आपको बुलाएंगे, तो ये पूरा का पूरा फॉर्म आपसे दोबारा फिल करवाया जाएगा। इसीलिए इस पूरी डिटेल को भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाली हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, वहां पर डॉट डॉट लगाकर उस स्पेस को खाली छोड़ देना है। यहां पर आपको कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है, 5 ऑप्शन है। जिस स्कूल में आपने एडमिशन लेना हो, आप यहाँ से अपनी प्रेफरेंस आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस टू की अगर फर्स्ट जो प्रेफरेंस आप डाल रहे हैं उसमें आपको अगर नंबर नहीं आता है, आपका नंबर वहाँ नहीं पड़ता, तो सेकंड प्रेफरेंस पे कौन सा स्कूल रखना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपने सेकंड स्कूल सिलेक्ट करना है। एग्ज़ाम कहाँ आप देना चाहते हैं, तो ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करना है। लास्ट में डिक्लेरेशन पे आई सर्टिफाइड दैट फैक्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है कॉलम खुलेगा, वहाँ आपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पेरेंट्स के सिग्नेचर, ठीक है, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, चार डॉक्यूमेंट्स आपने ये अपलोड करने हैं। अपलोड करते ही फिर आप पेमेंट वाले गेटवे पर आ जाएंगे। पेमेंट गेटवे में आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं उससे आप जो है अपनी पेमेंट करेंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मेन इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या था कि जो लोग रिटायर हो गए हैं उन लोगों को इस कॉलम में प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पर हम क्या डिटेल फिल करें, क्योंकि प्रेजेंट यूनिट का एड्रेस है नहीं, कौन सी यूनिट से पोस्ट हुए थे वो डिटेल यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब करंट लोकेशन क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइन कब किया था वो डेट कई बार याद नहीं रहती है, फैमिली कब मूव हुई, किस डेट को फैमिली मूव हुई वो इंफॉर्मेशन नहीं याद रहती, नहीं है, तो वो यहाँ पे कैसे फिल करें, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफिस, जो पोस्टल एड्रेस है, अब जो रिटायर हो गए हैं तो अब जो है एड्रेस कैसे डालेंगे ऑफिस का, ठीक है, तो रिकॉर्ड ऑफिस का एड्रेस कैसे डालेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन कैसे वो फिल करेंगे, तो उनको यहाँ प्रॉब्लम आती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल की जाए। तो उसके लिए यही कि आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर डॉट डॉट लिखकर इस स्पेस को खाली छोड़ देना है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है उसे आप डॉट डॉट लगाओ और खाली छोड़ दो, तो सेम सारा का पूरा फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म आपसे दोबारा से फिल करवाया जाएगा। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये एक मोड है कि ऑनलाइन आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप डीडी बनाकर भेजेंगे, फिर वहां से फॉर्म आएगा, प्रोस्पेक्टस आएगा, 10 से 12 दिन लगेंगे, ठीक है, फिर आप दोबारा से फॉर्म भेजेंगे, तो एक लेंथी प्रोसेस है। तो ऑनलाइन में आपको दिक्कत ना आए तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जो है पूछ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो वो आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको नेक्स्ट जो अपडेट्स हैं वो आपको तभी मिल पाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।